अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज इस एक छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, एक तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है कि नंबर मिलता है कि यहाँ पे आप आपके लोग चैनल को जो है ना 1,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, या 500 जो है ना लोगों ने सब्सक्राइब किया, या 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया, लेकिन आप उसके अंदर नेम नहीं जान सकते कि किस जो है ना बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, किसने नहीं किया है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उसके नाम जो है ना वो कैसे देख सकते हैं, उसका जो ना नाम कैसे जान सकते हैं कि मेरे चैनल को किसने सब्सक्राइब किया है, उसका नाम जो है ना क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर देख सकते हैं कि किन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसका नाम वगैरह, ठीक है, और चैनल की लिंक, ये सारी चीज़ें जो है उसको देख सकते हैं। तो इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं कि ये जो ना हम सब्सक्राइबर्स को कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास मोबाइल है कोई बात नहीं, तरीका आपको सेम ही यूज़ करना है, और लैपटॉप है तो ठीक है, अगर लैपटॉप नहीं है आप अपने मोबाइल से हैं तो भी आपको मोबाइल के अंदर जो है ना वो ब्राउज़र ओपन कर देना है, और उसको डेस्कटॉप मोड पे जो ना ले आना है, और उसके बाद जो ना आपको मोबाइल के अंदर जो ना ब्राउज़र में स्टूडियो YT स्टूडियो ओपन कर देना है, जैसे कि मैंने अभी जो ना YT स्टूडियो यहाँ पे ओपन कर रखा है लैपटॉप पे। तो आपको अपने मोबाइल पे जो ना, अगर आपके पास लैपटॉप है तो सही है, जी अगर मोबाइल है तो आप उस पर जो ना YouTube स्टूडियो ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डैशबोर्ड वहाँ पे देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ से मल्टीपल्स जो ना वो ऑप्शंस मिलेंगे, आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे आपको जो ना लेटेस्ट कमेंट्स, ठीक है, व्हाट्स न्यू इन स्टूडियो और टॉप वीडियोज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपको यहाँ पे एक रिसेंट सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 90 डेज के अंदर जिन भी जो मतलब लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो अभी जो है ना आपको जस्ट यहाँ पे दोस्तों 90 डेज के अलावा आप सारे सब्सक्राइबर्स अगर देखना चाहते हैं, उसके नाम अगर जानना चाहते हैं तो भी आपको वो फिल्टर लगा देना है। तो अभी जो है मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको सी ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे सी ऑल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको ये फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है कि लास्ट 90 डेज में आपके चैनल को किसने सब्सक्राइब किया। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 जो ना फरवरी को एजुकेशन उर्दू इन्फो ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और ये मेरे चैनल को, ये सारे जो ना नेम्स पड़े हैं, इन लोगों ने मेरे चैनल को जो ना वो सब्सक्राइब किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट भी दिखाई देगी, और सब्सक्राइबर्स, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आपको दिखाई देगी, और उसका नाम भी है वो आप भी आपको दिखाई देगा। अगर आप उसके जो चैनल के लिंक चैनल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके क्लिक करके यहाँ पे आप जो ना वो उसके चैनल को जो ना वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और जिस भी डेट ने सब्सक्राइब किया है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि जो है ना हुसैन तोफी के नाम से जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट सब्सक्राइब, किस तारीख ने उसको जो है ना सब्सक्राइब किया था, 15 मई को किया था। उसके बाद ये रोहिमा खातून जो है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद जावेद अफसल है, ये भी 11 मई को किया है, उसके सब्सक्राइबर्स से एक हैं, और ये जो है मेरे चैनल को, अगर मैं किसी को भी मैं अगर सब्सक्राइब करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो जो है ना मैं सब्सक्राइब कर दूंगा उसको, ठीक है। तो मुझे अभी नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। उसके बाद अगर आप जो है ना लास्ट 7 डेज के सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं तो भी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स पड़े हैं, आप लाइफ लास्ट जो ना 28 दिनों के देखना चाहते हैं, या लाइफ टाइम टोटल जो है सब्सक्राइबर लाइफ टाइम के देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, और जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं उसकी चैनल की जो ना लिंक आ जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ना उसका चैनल जो ना वो ओपन हो जाएगा, और चैनल में जाकर आपकी उसकी सारी जो ना वो इन्फो जो ना वो देख सकते हैं। तो आई होप ये जो ना आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, आप इसको जो ना फॉलो करके आप अपने वो सब्सक्राइबर्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो ना वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो देखने के बाद आई होप आपको पता चल जाएगा कि अभी जो ना आप अपने सब्सक्राइबर वो कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो भी वो तरीका आपको यूज़ करना है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का जरूर करें। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।